अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वेले असलान टाउन रावलपिंडी दे विच मौजूद हाँ। तो ये बहुत बड़ी कसीर आबादी है। तो मेरे नाल इत्थे कारी नासर महमूद सैलवी साहब कलते दे ने। असा दराज तो इत्थे दे रिहायशी ने, और बड़े अफसोस नाल ये आखना पैंदा है कि पाकिस्तान साड़ा ये शहर है, इस रावलपिंडी का इतना वड्डा वसी शहर है, ये बनी गाला भी इस नाल लगता है। तो नाल इस तो अगे आओ झंग सईदा, झंग सईदा तो थोड़ा जा अगे आओ तो असलान टाउन की बस्ती आती है। तो इस इलाके में जी बुनियादी जरूरत है गैस, उसका नाम और निशान ही कोई नहीं। तो अफसोस का आलम यह भी तुसा दसने है कि बिजली चार चार घंटे तो पाँच पाँच घंटे, इस्लामाबाद रावलपिंडी का मरकजी शहर के होने के बावजूद इस इलाके में जो है वे बड़े मसायल दरपेश ने। मैं और मेरे को जो कारी नासर साहब खलते ने, मैं इन्हें पूछना कि तुम इतने किस तरह रहते हो और तुम्हारे हालात जिंदगी किस तरह गुजर रहे। जी कारी नासर साहब, कितना अर्सा हो गया तुम इतने? जी चार साल। बिजली का क्या सूरत हाल है जी? बिजली जाती है जी 24 घंटे में, 10 से 12 घंटे। अच्छा, तो और गैस की बुनियाद ही कोई नहीं? गैस नहीं आती, गैस आती नहीं। तो क्या आते हो कि गवर्नमेंट इस वक्त तवज्जो दे रही? गवर्नमेंट तो सही है जनाब जी। कारी नासर साहब चार साल तो इतने रेंदे ने जनाब, और इन्हों की यह ख्वाहिश है कि आते हैं कि अल्लाह वास्ते करके जी गवर्नमेंट है वे वजीर आजम सोच शहर का हर मरकजी दिल है। इतने पानी चार चार पाँच पाँच घंटे छे छे घंटे बिजली गायब होती, और गैस का नाम निशान ही नहीं। तो बिजली उसी तो पानी भी लोगों सप्लाई उसी मदरसों मस्जिदों में और लोगों के घर पानी भी पीने का मिलसी। अगर इस तरह ना होती तो फिर मुश्किल ज़्यादा हो सौन। डॉक्टर अरशद जमाल, सुनेहा न्यूज़ चैनल, रावलपिंडी।